आप सभी को मेरा प्रणाम। हर्बल रेमेडीज नेचर स्ट्रेजर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे ढाक की। ढाक कहिए, चाहे प्लास कहिए, चाहे बूट या मोनोस्पर्मा कहिए, चाहे फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहिए, और एक पुरानी कहावत भी है, ढाक के तीन पात। ढाक के तीन पत्र होते हैं, इसमें तीन लीफलेट पाई जाती हैं। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक लीव के अंदर तीन लीफलेट होती हैं। फैबेसी का ये मेंबर है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के फ्लेवोनॉइड और पॉलीफ्लोनिक कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। कितना सुंदर, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी इसको संबोधित किया गया है। देखिए कितने सुंदर इसके फ्लावर्स आप देख रहे होंगे। इसके फ्लावर्स, इसके सीड्स, इसकी छाल, इसके पत्र, इसकी मूल, औषधीय गुणों के लिए सभी उपयोग में आते हैं। इसके स्टेम से निकलने वाला जो गोंद होता है, जिसको ढाक की कणी के नाम से पुकारा जाता है, जो कि मेल और फीमेल दोनों को हार्मोन्स को रेगुलेट करने का कार्य करता है, डायरिया और डिसेंट्री में भी विशेष गुणकारी होता है, शरीर की कमजोरी को दूर कर मिनरल्स की कमी को पूरा करके शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है, बलवर्धक होता है। इसके कोमल पत्र 4 से 5 लेकर उनका रस निकालकर तत्पश्चात अगर आप गाय के दुग्ध का सेवन करेंगे, चिरायु को प्राप्त करेंगे, बलवर्धक होता है। यह बुढ़ापे को रोकने वाला, बल को प्रदान करने वाला प्लांट है। साथियों, गर्भावस्था प्राप्त करने के पश्चात अगर 4 से 5 पत्र का काढ़ा गर्भवती महिला को पिलाया जाए और तत्पश्चात दूध पिलाया जाए तो हष्ट पुष्ट व शक्तिशाली संतान की प्राप्ति होती है। एंटी एजिंग के लिए 5 ग्राम पूरे पंचांग का पाउडर शहद के साथ सेवन करना चाहिए। अगर 1 वर्ष तक आप ऐसा करते हैं तो चिरायु को प्राप्त करते हैं और शरीर विभिन्न रोगों से मुक्त हो जाता है। इसकी जो जड़ होती है उसका अर्क निकालकर आंखों की समस्या के निराकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है। कैटरक्ट की शुरुआत अगर हो गई हो तो वो रुक जाती है, आंखें साफ हो जाती हैं, की जो रेडनेस होती है वो दूर हो जाती है। इसके फ्लावर्स रक्त पित्त का शमन करते हैं। इसके फूलों को आप इकट्ठा करके सुखा कर पाउडर बना सकते हैं। साथ ही साथ इसके सुंदर फूलों से आप गुलकंद भी तैयार कर सकते हैं। पुराने से पुराना कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, अल्सर की समस्या हो, आर्थराइटिस की समस्या हो, आंखों की रोशनी कम हो गई हो, आप इसके फूलों का सोरस शहद मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं और इसके फूलों का मिश्री मिलाकर गुलकंद भी आप तैयार करके रख सकते हैं। रक्त पित्त की समस्या को पूरी तरह से ठीक करता है। कई बार रक्त पित्त की समस्या अगर कंट्रोल ना की जाए समय पे तो गॉल ब्लैडर और लीवर संबंधित कई डिसऑर्डर्स को ये कॉज कर सकता है। छाल का डिकॉक्शन आप अगर पिएंगे तो वो इम्यूनिटी को बढ़ाकर किडनी और लीवर रेमिडिएशन का कार्य करता है। मूत्र क्रच की अगर समस्या हो गई हो तो छाल का डिकॉक्शन बनाकर सेवन करना चाहिए। इसके बीजों को पीस कर अगर आप संधिवात पीड़ा में लगाएंगे, संधिवात के कारण फीवर या इन्फ्लामेशन हो गया हो तो भी यह दूर करता है। इसके बीजों को पीसकर कैबीज में, प्रूराइटिस में, विभिन्न प्रकार के स्किन डिसऑर्डर्स में विशेष गुणकारी होता है। ढाक की कणी को एमिनागोग होता है, मेल और फीमेल दोनों के हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, पित्त की समस्या के निराकरण के लिए विशेष गुणकारी होता है। पेट के कीड़े हो गए हों तो पत्र का सुरस का सेवन करना चाहिए, शहद मिला लें तो उत्तम होता है। शरीर के मिनरल्स की कमी को पूरा कर पोषण देने का कार्य करता है। बूटिया मोनोस्पर्मा ढाक टिशू के फ्लावर्स नेचुरल डाई बनाने में, कलर तैयार करने में, होली के दिनों में विशेष उपयोग में आते हैं। सीड के माध्यम से इसका प्रोपेगेशन हो जाता है, लेकिन सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कहीं कहीं सीड में जर्मिनेशन की क्षमता समाप्त हो जाती है। वैसे तो ये एरिड जोन का प्लांट है, मुख्यतः उन्हीं के सीड से जर्मिनेशन हो पाता है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो कटिंग के माध्यम से भी आप इसका प्रोपेगेशन कर सकते हैं। इसकी छाल के पत्र के फूल इसकी मूल सभी औषधीय गुणों के लिए उपयोग में आती है, विशेष गुणकारी ये प्लांट है। फूलों का चूर्ण बनाकर रक्त पित्त की समस्या के निराकरण के लिए, रक्त प्रदर की समस्या हो तो उसको भी दूर करने के लिए फूलों का फांट बनाकर सेवन करना चाहिए। ये जानकारी मित्रों साथियों के साथ साझा कीजिए ताकि वो भी इसके औषधीय गुणों से लाभान्वित हो सकें। आप अपने कमेंट्स हमें ईमेल के माध्यम से भी सेंड कर सकते हैं। एंटी एजिंग एक्टिविटी के लिए, एंथेलमेंटिक एक्टिविटी के लिए, एंटी अल्सर एक्टिविटी के लिए, आर्थराइटिस के लिए, ब्लड प्यूरिफिकेशन का ये कार्य करता है। आप इसको
कंजर्व कीजिए। सफेद डाक का उपयोग विशेष प्रकार की सिद्धि के लिए किया जाता है। दुर्लभ ये प्लांट है जिसका मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये प्लांट भी गुणों में किसी भी तरह से कम नहीं है। आप सभी का धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द फर्दर हेल्थ अपडेट्स। प्रणाम।